केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली आज हुई। देश भर से जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता भी इस रैली में शामिल हुए। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत केंद्र सरकार की दूसरी नीतियों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया। राहुल ने कहा कि 40 सालों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार की देन है। नरेंद्र मोदी ने देश को पीछे ले जाने का काम किया, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद का आज कांग्रेस पर बड़ा हमला देखने को मिला। आजाद ने कहा कि मेरी नई पार्टी के ऐलान के बाद कांग्रेस बौखला गई है। राहुल गांधी को शहनशाही मुबारक, कांग्रेस आज आगे बढ़ नहीं पा रही है, जमीन से कांग्रेस गायब हो चुकी है। झारखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। रायपुर से यूपीए गठबंधन के विधायक रांची के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम सोरेन ने कल झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। बीजेपी ने भी विधायकों की बैठक बुलाई है। एक बार फिर अपने बयान से पलटे हैं नीतीश कुमार। कल कहा था कि अगर विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाएं तो 2024 में 50 सीटों पर भाजपा सिमट जाएगी। आज बोले संख्या की बात नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। गुजरात दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 3 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया। 36वें राष्ट्रीय खेलों का गीत और शुभंकर भी लॉन्च किया। अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट के आयोजन में भी शामिल हुए शाह। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सोपोर में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में लश्कर के से जुड़ा एक हाइब्रिड आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आतंकी के पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 8 पिस्टल की गोलियां भी बरामद हुई हैं। भारत दौरे से पहले शेख हसीना का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख बांग्लादेश में मंदिरों के पर हमले के सवाल पर बोली, सरकार ने समय रहते इन घटनाओं पर एक्शन लिया, रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश के लिए बोझ बताया। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन। पालघर में सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री का हुआ निधन। अहमदाबाद से मुंबई लौटते वक्त यह हादसा हुआ।